नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। वंशीधर नगर नगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम के ग्रामीणों ने गांव में चल रहे दो दो ईंट भट्टे संचालन से ग्रामीणों को हो रही परेशानी और नुकसान से उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, जिले के उपायुक्त, खनन पदाधिकारी, गढ़वा सिंचाई विभाग, गढ़वा एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष गढ़वा आवेदन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने लिखा है कि इससे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने जांच उपरांत त्वरित कार्यवाही करने का आग्रह किया है, ताकि ग्राम पंचायत के चित्वी श्राम ग्राम के लोगों को ईंट भट्टे के संचालन से निजात मिल सके। सब बताओ। पहला नुकसान हो रहा है कि नगर उटारी और नगर उटारी NH-75 के बीच का जो मार्ग है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मिट्टी ढुलाई के कारण, ट्रैक्टर से ओवरलोडिंग के कारण सारा सड़क जो है जर्जर हो चुका है। बच्चे आते हैं, स्कूल है, दो दो स्कूल है, बंसीधर में स्कूल है, तिलसाव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। नौसिखिए ड्राइवर को, जिसका की लाइसेंस भी नहीं है, उससे दो दो ईंट भट्टे वाले गाड़ी चलवाते हैं। कब दुर्घटना हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। विगत 6 महीना पहले घटना ही हुआ था यहाँ पे। दूसरी बात, ईंट भट्टा से इतना धुआं निकल रहा है जो कि मानक के आधार पर नहीं है। ईंट भट्टा की चिमनी की लंबाई मानक के आधार पर नहीं है। इस आधार में प्रदूषण से हमारे यहाँ फसल क्षतिग्रस्त हो रहा है। धान की फसल रोड किनारे लगी हुई है, सारा फसल पे धूल धक्कड़ पड़ा हुआ है। पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं प्रदूषण के चलते। बस्ती से 100 मीटर की दूरी पर ईंट भट्टा है। अगर ये चीज अगर नहीं, प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं कार्रवाई की जाए, तो आप लोग द्वारा क्या हो सकता है? हमारे यहाँ गांव के जितने ग्रामीण लोग हैं, वो रूप धारण करके धरना करेंगे, जाम करेंगे। ईंट भट्टे के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई, मतलब सहयोग से, अपनी सहयोग से बंद करने के खिलाफ में कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम लोग चित विश्राम ग्राम के सभी वासियों ने मिलकर के एक आवेदन 3 तारीख को BDO साहब को दिया ईंट भट्टे के खिलाफ में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद हम लोग बरिया पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी नगर उटारी, खनन पदाधिकारी गढ़वा, RTO ऑफिस गढ़वा, DC गढ़वा और जिला परिषद उपाध्यक्ष गढ़वा को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे गांव की स्थिति ईंट भट्टे के कारण इतनी दुर्दशा हो गई है, ना तो हमारे यहाँ नए पेड़ पौधे लगाए जाए तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होता है इसके प्रदूषण से। अभी हम लोग खेती किए हैं, फसल की स्थिति हमारी यह है कि सारे फसल में कीड़े लग जा रहे हैं या फसल लाल होकर के फसल बर्बाद होते जा रहा है। ईंट भट्टे वाले अपनी ईंट ढुलाई के लिए हमारे गाँव में एकमात्र नहर जो बम्बा डैम से चित विश्राम तक आती है, उसमें 5 से 7 जगह इन लोगों ने कटाई कर दिया है, जिसके चलते किसान जहां तहां मेड़ बना बना करके पानी की सिंचाई कर रहे हैं। हमारे गांव का लाइफलाइन पैन नाला, जो वर्ष 2014-15 में मनरेगा के द्वारा 23 लाख रुपए की लागत से उसका मरम्मत किया गया था, आज उसका अस्तित्व विलीन होते जा रहा है, विलुप्त तो होते जा रहा है हमारा पैन नाला। यदि अधिकारी हम लोगों के मांग पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम सभी ग्रामीण ये आपस में निर्णय लिए हैं कि हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करने को तैयार हैं। आवेदन देने वाले में विमलेश पांडे, धनंजय सिंह, अनिल कुमार, दिनेश कुमार, आनंद पांडे, मुन्ना सेठ, मंगलेश चौधरी सहित 200 से अधिक ग्रामीणों का नाम शामिल है। BDO अमित कुमार ने कहा कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।